एक मिनट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है जी ढाडा नवे ब्लॉग दे विच। अज तुहानू दर्शन करवावांगे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अदर सिंह साहिब जी। इस स्थान ते थोड़ा समा आराम करदे सन। खूही उत्ते अमृत वेले 1 बजे 101 डोलां नाल इशनान केसी इशनान करके वाहिगुरु की याद विच जुड़ जांदे सन। आजो हुण गुरद्वारा साहिब दे अंदरों दर्शन करवाउने आ ते इतिहास नाल सांझ पाउने आ ते वीडियो एंड तक पूरी जरूर देखियो। आजो हुण आपां सामने मत्था टेकदे आं ते अगे भोरा साहिब दे तुहानू दर्शन कराउंदे आं। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी हथ लिखित राइटिंग इस स्थान ते सुशोभित आ, तुसीं दर्शन कर सकदे हो। गुरद्वारा पिछले ब्लॉग दे विच तुहानू दर्शन करवाए ने रेरू साहिब दे, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दुध छकिया सीगा बैठ के। ते हुण आपां उत्थों 2 किलोमीटर दी दूरी ते जिथे तप स्थान पक्का भोरा साहिब बनिया होया वा, आज हुण तुहानूं इधरले गुरद्वारा साहिब दे दर्शन कराउंदे आ। संत बाबा अदर सिंह जी इत्थे इशनान करदे हुंदे सीगे। इत्थे भोरा साहिब भी बनिया होया वा उहनां दा, ते इत्थे लिखिया होया वा संत बाबा अदर सिंह जी दा पक्का भोरा साहिब। आज हुण तुहानूं भोरा साहिब दे अंदरों दर्शन कराउंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी हथ लिखित राइटिंग दिखाउंदे आ। आजो भोरा साहिब दे विच एंटर हुंदे आ ही संत बाबा अदर सिंह जी दी जिहड़ी तस्वीर आ बहुत वधिया तरीके नाल बनाई हुई आ। उहनां दी पुरानी तस्वीर भी दस्या जांदा है, जिदा संत बाबा अदर सिंह जी सीगे वो एक मिलटरी दे विच फौजी सीगे ते उन्होंने हाथ दे विच बंदूक तुसी देख सकते हो। ते उन्होंने अपनी मिलटरी दी नौकरी छड्ड के परमात्मा दे नाल जुड़े आ। ते गुरद्वारा साहब दी उन्होंने अपनी तनखाह दे विचों ही दस रहा भी गुरद्वारा साहब बनवाया सीगा। गुरद्वारा भोरा साहब दे विच एंटर हुंदे ही आ जिहड़ी वड्डी सारी तस्वीर आ संत बाबा अदर सिंह जी रेरू साहिब वालियां दी, ये जदों बंदगी करदे हुंदे सी उस टाइम दी जिहड़ी तस्वीर आ दर्शाई हुई आ, तुसी देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो थले स्पैशल लिखिया भी होया वा भी पलंग नू हाथ ना लाओ कृपा करके ता कि वह लंबे समय तक चल सके। हुण आपां भोरा साहिब दे विचों दी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं ते गुरद्वारा साहिब दे बाहर दा तुहानू व्यू दिखाउने आ। बहुत सोहना व्यू आ, ठंडियां हवावां चल रही ने ते मौसम भी वधिया बनिया होया वा, ऐन ज़्यादा गर्मी भी है नहीं ते ज़्यादा मौसम ठंडा भी है नहीं, नॉर्मल जिहा मौसम आ, वधिया तरीके दा बनिया होया। गुरद्वारा साहब नवा ही बनया आ ते भोरा साहब दे उपरले पासे लैंटर पा दिता गया वा। इधरले पासे आ गया जी संतां दा खूह जिथे इशनान करदे हुंदे सीगे। बारले पासे लिखिया भी होया भी संगतां नूं निमरता सहज बेनती आ बई खूही दी पवित्रता रखदिया होया भी अंदर जल ना छकिया जावे। ते नलका लग्या होया वा उहनां दे टाइम दा ते खूह बनिया होया वा, दर्शन कराने आ तुहानूं। आ जाओ श्री हजूर 111 संत बाबा अतर सिंह साहिब जी, उहनां दी वड्डी सारी तस्वीर लगी हुई आ उरे भी जिते इशनान करदे हुंदे सीगे। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਨਰੀ ਗਰੀਨਰੀ ਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। Thank you.
वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, जे चंगी लगे तो शेयर करो। मिलते हैं आने वाले नवे ब्लॉग के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।